हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और मैं फिर आ गया हूँ टेक्नोमैटिक रेशियो पे बेस्ड कुछ नए क्वेश्चंस लेके। गाइस, दिस इज सिक्स्थ वीडियो ऑफ टेक्नोमैटिक रेशियो। अगर आपने इससे पहले की 5 वीडियोस को मिस कर दिया है तो डोंट वरी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन इज इन रोम्बस ए बी सी डी डायगनल ए सी इज 18 सेंटीमीटर। गाइज, यहाँ पर एक रोम्बस आपको ड्रॉ करना है जिसका एक डायगनल ए सी आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर। द एंगल बिटवीन डायगनल बी डी एंड साइड ए बी इज एल्फा सच डेट कॉस एल्फा इज 0.8। गाइज, यहाँ पर जो दूसरा डायगनल है बी डी और जो एक साइड है ए बी, उसके बीच में एक एंगल बन रहा है एल्फा और उस अल्फा के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.8। फाइंड द डायगनल बीडी, यहां पर आपको डायगनल बीडी फाइंड करना है एंड द पेरिमीटर ऑफ रोम्बस एबीसीडी और साथ में आपको फाइंड करना है रोम्बस एबीसीडी का पेरिमीटर। तो गाइस, सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक फिगर बनाते हैं। फिगर में सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है रोम्बस। तो गाइस, हमने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है ए बी सी डी, उसके दो डायगनल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं, एक डायगनल है ए सी, एक डायगनल है बी डी। ठीक है गाइस, आप लोगों को पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब है इसका गाइस? इसका मतलब है ए सी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मीन्स ए ओ इक्वल्स टू ओ सी हाफ ऑफ ए सी, बी ओ इक्वल्स टू ओ डी हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, और साथ में ये एंगल्स जो होंगे वो हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक एंगल गिवन था आपको साइड ए बी और डायगनल बी डी के बीच में, तो दिस एंगल इज अल्फा। इसको फिगर में समझ लीजिए, द एंगल बिटवीन डायगनल बी डी एंड साइड ए बी इज अल्फा सच डेट, आपको एक और वैल्यू गिवन है कॉस अल्फा इज 0.8। ठीक है, और जो डायगनल ए सी है उसकी वैल्यू गिवन है आपको 18। तो गाइस, ए सी अगर 18 सेंटीमीटर है फ्रॉम दिस, गाइस ए ओ आ जाएगा 9 सेंटीमीटर और ओ सी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर, राइट। और कॉस अल्फा क्या होता है? तो गाइस, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होता है तो वहां से आप राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो गाइस, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, डेसिमल हटाया 10, रिड्यूस करा 4, 5। तो गाइस, फ्रॉम हेयर बेस, तो गाइस अल्फा के लिए बेस क्या है? अल्फा के लिए बेस है क्योंकि दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो यहां पर आपका जो बेस है डेट इज ओ बी, ओ बी इज द बेस फॉर एंगल अल्फा। तो गाइस, ओ बी आ गया है हमारा 4 और हाइपोटेनियस इज 5। लेकिन याद रखिएगा गाइस, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और अगर आपको कोई भी साइड गिवन है तो वहां पर आप हमेशा जब साइड्स को फाइंड करेंगे लेंगे फ्रॉम रेशियो तो वहां पर एक वेरिएबल जरूर आएगा। यहां पर हम लिख लेते हैं एक्स। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड की वैल्यू गिवन है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जब आप साइड्स को फाइंड करते हैं तो वहां पर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ एक वेरिएबल को लिखना मत भूलिएगा, ये कंपल्सरी हो जाएगा यहां पर। तो गाइस, ओ बी आ गया आपका 4x और हाइपोटेन्यूज डेट इज ए बी आ गया
5x। तो यहां पर आपने देखा कि हमारा जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए ओ बी, ये हो गया 90, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 5x, ये हो गया 4x। तो हमने इस फिगर को अलग से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं गाइज, एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, साइड्स को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस लगाने वाले हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, राइट गाइज। ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी इज 5x का होल स्क्वायर, ए ओ, ए ओ इज 9 का स्क्वायर, ओ बी, ओ बी इज 4x का होल स्क्वायर। गाइज ये आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 81। सॉल्व करेंगे 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 81x स्क्वायर। गाइज 81 को 9 से रिड्यूस कर देंगे, 9 आएगा और x आ जाएगा 3। तो गाइज यहां पर हमारी x की वैल्यू आ गई है 3। इट मींस जो OB है वो आ गया 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर, और जो AB है वो आ गया 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइज OB आ गया इन ट्राइंगल ABO और AB आ गया, ठीक है। यहां तक का पूरा सॉल्यूशन में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं गाइज। यहां पर रोम्बस गिवन है, तो रोम्बस के जो डायगोनल है वो बाइसेक करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर, इसका मतलब ये हो गया। साथ में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और एक साइड की वैल्यू गिवन, एक डायगोनल की वैल्यू गिवन है। तो गाइस डायगोनल हमें एसी गिवन है 18, तो वहां पर हमने क्या करा, डायगोनल बाइसेक करते हैं तो एओ और ओसी को हाफ ऑफ कर लिया, डेट इज 9 9। कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसकी वैल्यू गिवन है 0.8, पहले उसको सिंप्लीफाई किया 4/5 और बेस आ गया 4, हाइपोटेनियस आ गया 5। तो गाइस फॉर एंगल अल्फा बेस इज ओबी, तो ओबी आ गया 4 और साइड हाइपोटेनियस आ गई 5। लेकिन यहां पर अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए बी ओ हमें एक साइड गिवन है, तो यहां पर हमने क्या करा, साथ में एक्स लिख लिया है। उसके बाद हमने ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करा, हमने देखा हमारे पास दो साइड है इन टर्म्स ऑफ एक्स और एक साइड गिवन 9। हमने पाइथागोरस को अप्लाई करा और एक्स की वैल्यू को फाइंड करा और एक्स की वैल्यू को पुट करा, तो हमारे पास दोनों साइड्स आ गई हैं, ठीक है। तो गाइस यहां पर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स का मेजरमेंट आ गया है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है डायगोनल बीडी। डायगोनल बीडी गाइस समझिएगा, जो बीडी डायगोनल है वो क्या होगा, ट्वाइस होगा बीओ का, इक्वल्स टू 2 इंटू ओ बी। गाइस बीओ, बीओ कितना है, तो गाइस बीओ है 12, तो डायगोनल आ गया बीडी इज 24 सेंटीमीटर। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड इज पेरीमीटर निकालना है रोम्बस का, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो गाइस रोम्बस का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड 4। तो गाइस यहां पर साइड क्या है, तो गाइस ए बी साइड है रोम्बस की और ए बी हमारा आ गया 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 60 सेंटीमीटर। तो गाइस ये आ गया पेरीमीटर। तो यहां पर आपने देखा कि हमने रोम्बस की प्रॉपर्टीज को यूज करा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू गिवन थी उसकी हेल्प से हमने हाफ ऑफ डायगोनल फाइंड करा और साइड फाइंड किया रोम्बस का। उसके बाद जो डायगोनल आपसे पूछा था वो ट्वाइस हो जाएगा ओबी के, डेट इज 24, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू हमने यहाँ पे 15 कर दिया, तो आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो गाइज क्वेश्चन इज इफ कॉस थीटा इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है और आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड टेन कॉट थीटा। यहां पर दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए बोला है। तो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में फर्क है
कि यहाँ पे जो cos थीटा की वैल्यू गिवन है वो वेरिएबल्स में गिवन है, डेट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो गाइस क्या करेंगे, तो गाइस cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से बेस आ गया 2x और हाइपोटेनियस आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आ जाती हैं, आप क्या करते हैं, पाइथागोरस को यूज करके थर्ड साइड को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। गाइस कौन सी साइड निकालनी है, परपेंडिकुलर, तो गाइस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया गाइस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस अपनी साइड को चेंज करते तो उसका साइन आ गया नेगेटिव। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं गाइस, हाइपोटेनियस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेस इज 2x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर गाइस होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। कुछ लोग सिर्फ इतना ही स्क्वायर ओपन करते हैं गाइस, इसके आगे आएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दो टर्म का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस गाइस यहां पर हम करने वाले हैं 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है। गाइस आपने देखा ये जो दोनों है ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स मतलब दोनों का जो वेरिएबल है डेट इज एक्स स्क्वायर जो सेम है, तो ये हो गए लाइक टर्म्स। तो यहां पर हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन, तो गाइस पी स्क्वायर आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर डेट इज पी स्क्वायर। तो गाइस पी स्क्वायर अब ये क्या हो गया, तो गाइस ये हो गया ध्यान से देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इनमें से कोई भी टर्म पहले आ सकता है कोई भी टर्म बाद में आ सकता है, लेकिन बीच में आएगा माइनस साइन क्योंकि जो थर्ड टर्म है वो माइनस में है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन गिवन है गाइस, कंडीशन गिवन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। तो गाइस क्या वैल्यूज लेंगे, ये वैल्यूज लें या ये वैल्यूज लें, तो गाइस यहां पर हम वैल्यूज लेने वाले हैं ये वाली, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है, क्या मतलब है कि गाइस 1 एक्स स्क्वायर छोटा है तो हमेशा माइनस के बाद ही हम ट्राई करते हैं छोटा नंबर लिखें, ठीक है। तो गाइस पी यहां से आ गया, पी आ गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पी इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। गाइस अगर मैं ये लिखता तो यहां पर आ जाता एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझिएगा क्या आ जाता, अगर मैं ये लिखता एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी कि पहले टर्म की वैल्यू तो 1 से कम हो गई, तो अगर इस पूरी वैल्यू को देखा जाएगा तो माइनस में आएगी क्योंकि लेस देन 1 है, लेस देन 1 माइनस 1 इज अगेन लेस देन 1, नेगेटिव में आएगी, और गाइस ये साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया। ये आपको यहाँ पर पॉइंट स्टेप को समझना है कि कौन सी वैल्यूज को हम लेने वाले हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको फाइंड करना था साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो गाइस परपेंडिकुलर आ गया मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनियस आपको गिवन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो सेकंड रिलेशन हमें फाइंड करना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डैट इज कॉट थीटा, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो गाइस बेस है हमारा 2x और परपेंडिकुलर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो गाइस दिस इज द आंसर। तो अगेन बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ऑलरेडी आपने बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा सॉल्यूशन किया हुआ है, बस दो चीज़ें, एक तो वेरिएबल है दूसरा वो कंडीशन, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ।
ठीक है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो गाइज क्वेश्चन इज फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड 10x डिग्री साइन y डिग्री एंड cos y डिग्री। तो यहां पर आपको एक फिगर गिवन है और उस फिगर की हेल्प से आपको 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो गाइज सबसे पहले हमने फिगर को कॉपी किया, आशीष ऊपर कोई आया है, ऊपर कोई आया है, तो गाइज ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो गाइज यहां पर सबसे पहले देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 10x डिग्री। तो 10x गाइज देखा जाए तो x डिग्री के लिए वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल SRB और उसमें आपको दो साइड गिवन है 5 और 6। तो यहां पर आप अगर आपको हाइपोटेनियस को यूज करना है तो आप पाइथागोरस के हेल्प से फाइंड कर पाएंगे। गाइज 10x डिग्री होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फॉर x डिग्री परपेंडिकुलर इज 6, बेस इज 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो गाइज दिस इज द आंसर ऑफ 10x डिग्री। क्लियर है, सिंपल सॉल्यूशन है गाइज। उसके बाद आपको बोला है साइन y डिग्री। तो गाइज दिस इज y डिग्री, ठीक है। इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं, ASRB ले सकते हैं और ACBB ले सकते हैं। अब हम ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसके लिए हमें दो साइड पता हो और पाइथागोरस से हम थर्ड साइड को फाइंड कर लें। तो गाइज यहां पर थोड़ी सी हम वर्किंग करते हैं गाइज। जो AB है वो आपको गिवन है 18, जो RB है वो आपको गिवन है 6। तो फ्रॉम हेयर AR आ जाएगा 18 - 6 = 12। तो गाइज यहां पर R आ गया 12, ठीक है गाइज। AR हो गया 12, SR हो गया 5। अगर आपको ये हाइपोटेनियस यूज करना है रिलेशन में तो इसको आप पाइथागोरस की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। तो गाइज यहां पर ये आ जाएगा 13, पाइथागोरस से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। साइन वाई, साइन वाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो गाइज वाई के लिए परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनियस इज 13, ठीक है। तो गाइज दिस इज द आंसर एंड थर्ड रिलेशन, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉस वाई डिग्री। तो गाइज कॉस वाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगेन वाई के लिए हमने ट्रायंगल सेलेक्ट करा ASR और यहां पर हमारा बेस है 12 और हाइपोटेनियस है 13। तो गाइज आपने देखा कितना इजी सॉल्यूशन था, लेकिन आप लोग ऐसे सॉल्यूशन में अटकते हो, नहीं कर पाते हो। अब रीजन समझिए गाइज, हमेशा याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल की दो वैल्यूज पता होनी चाहिए जिससे हम थर्ड वैल्यू को फाइंड कर लें पाइथागोरस से, और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम इससे पूछा जाए हम उसको इजिली फाइंड कर लें। अब यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है गाइज, यहाँ पे दो अलग अलग एंगल है एक्स डिग्री। अब आपको देखना है एक्स डिग्री के लिए मैं कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लूँ, SRSB, ठीक है। दो साइड पता है, अगर थर्ड साइड मुझे फाइंड करनी है, यूज करनी है, तो मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ बाय पाइथागोरस। गाइस वाई के लिए मुझे अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल ही देखना पड़ेगा, ASR या ACB। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे ASR की दो साइड पता है, तो मैंने कौन सा ट्राइंगल के लिए वर्किंग करी, ASR के लिए, ठीक है गाइस। और पाइथागोरस की हेल्प से मैंने थर्ड साइड फाइंड कर लिया और उसका यूज था, तो उसको यहाँ पे मैंने यूज भी कर लिया। तो गाइस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो याद रखिएगा बहुत डिफरेंट डिफरेंट फिगर आपको दिए जा सकते हैं जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्या करना है, हर एंगल के लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करना है जिसकी दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और पाइथागोरस के हिसाब से आप थर्ड साइड्स को फाइंड करके इजिली उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड कर पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपको इन तीन क्वेश्चन से काफी कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा।
21। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।